माशाल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल-अलीयिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल कासिम والصلاه والسلام على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلى الله عليه وسلم। हजरत गिरामी कदर खालिक कायनात ने इंसान को जिंदगी से नवाजने के बाद उसकी हिदायत का एहतमाम किया। हिदायत नाम था उसकी जिंदगी के निज़ाम को मशीयत के मुताबिक चलाने। मशीयत के मुताबिक चलाने के लिए परवरदिगार आलम ने हिदायत का इंतज़ाम खुद किया, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान को ज़रूरत हिदायत थी, इसलिए इंसान ने मुसल्ले पर खड़े होकर दुआएं खुद की। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर गामजन कर, इसकी तलब थी, इसने तलब की, परवरदिगार आलम की अता थी, उसने हिदायत को भेजा। ज़िंदगी को राह निजात पर लगना था, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इंसान की हिदायत हो। जाहिर सी बात है, अगर गुनाहों के जौहर मौजूद हैं तो मग़फ़िरत का सामान भी होना चाहिए। अगर इशिया की ताकत मौजूद है तो अफ़्व मग़फ़िरत की चोटी भी होना चाहिए। अगर गलतियाँ करने का निज़ाम पाया जाता है तो माफ़ी का दस्तरखान भी होना चाहिए। लिहाजा इंसान चूँकि लफ्ज़िश ख़ता और सहवो निस्यान का बना हुआ था, इसलिए परवरदिगार आलम ने ये चाहा कि इसकी हिदायत हो जाए। हिदायत के लिए अल्लाह ने जितने इंतज़ाम बाहर किए थे उतने इंतज़ाम अंदर किए थे। बाहर के इंतज़ाम को नबी कहते हैं, अंदर के इंतज़ाम को अक्ल कहते हैं। अगर अक्ल न होती तब भी इंसान सच में और झूठ में फैसला ना कर पाता, लेकिन उसके बावजूद परवरदिगार आलम ने कुछ कुव्वतें इंसान को ऐसी दी हैं जिनका इस्तेमाल इंसान को हिदायत से आशना करता है। वो कौन सी ताकतें हैं, वो मैं कुछ तो अर्ज़ कर चुका हूँ, कुछ और अर्ज़ करना चाहता हूँ। जब इंसान के अंदर कुव्वतें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, आदमी हिदायत में कमज़ोर पड़ने लगता है। जो उलमा हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो रोज़ाना मजलिसों में शरीक होकर लोगों को शरीक मजलिस होने की अमली तफसीर बन रहे हैं। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले, मजलिस में शरीक होना, तो शरीक होकर उलमा बता रहे हैं कि ये उनकी अमली तफसीर। ज़ाहिर सी बात है, आप हजरात का सवाब दारैन में मैं कमी नहीं करना चाहता। आप जनाब फातिमा के तुफैल यहाँ बैठे हैं, खुदा करे कि नस्लन बादा नस्लिन तुम ऐसे ही पाकीज़ा फर्श पे बैठे रहो। तुम्हारी अपनी दुनिया है, ये फातिमा का बिछाया हुआ दस्तरखान है, ये अहले बैत का कैद खाने से दिया हुआ तोहफा है जो पूरी दुनिया पर छाता चला जा रहा। ज़रा सोचो, जिसके कैद खाने से दिए हुए वो तोहफे इतने कीमती हैं, उसके घरों की तफसीरें कितनी कीमती हैं। ये दुनिया मुतासिब थी जिसने जनाब ज़ैनब से वो दरस तफसीर न दी जो जनाब ज़ैनब घर में दे रही थी, जिसके खुतबों ने इतनी हलचल मचा दी है, अगर उसकी पढ़ाई हुई तफसीर सामने आ जाती तो क्या होता। वरना इंसान को हिदायत के रास्ते पर लगना था और हिदायत की तैयारियां होना थी,
इस हिदायत की तैयारी के लिए परवरदिगार आलम का कमाल यह था कि उसने अंदर भी और बाहर भी एक आयत इसलिए सुनाऊंगा कि मुल्ला की कदर कितनी होती है और कलामुल्लाह की कदर कितनी होती है। मौलवियों को आयतों पे चाहे वो आयत नुक्ते के एतबार से हो या ना हो दाद जरूर दिया करो, इसलिए कि वही मौलवी आयतें पढ़ते हैं जो कम से कम कुरान पढ़कर मिंबर पे आ रहे हैं, वरना ऐसे बहुत से मिंबर पे आने के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं जो कुरान की एक भी आयत नहीं जाते, मजलिस डेढ़ घंटे की पढ़ेंगे। लिहाजा कभी भी आयत पढ़ी जाए तो उसकी हौसला अफजाई जरूर करो ताकि फर्क तो रहे कि मुल्ला क्या है कलामुल्ला क्या है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मैं दो आयतें अपने निजामे मौजू के एतबार से सुना रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तत्तकुल्लाह यज्अल लकुम फुरकाना, ऐ ईमान वालो अगर तुम तकवाए इलाही इख्तियार कर लो तो अल्लाह तुम्हें हक व बातिल की तमीज इनायत करेगा। क्या कुछ कहने की जरूरत है? इसका मतलब ये कि जो ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि हक क्या है और बातिल क्या है, या तो उनका ईमान कमजोर है या वो तकवे तक नहीं आए हैं। तुम अगर तकवे तक आ गए तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। दूसरी आयत, शायद मेरी आयत कमजोर रह गई इसलिए मैं दूसरी आयत सुनाता हूं, ऐसा नहीं कि मुझे एक ही याद है। अब इस आयत को सुनिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा कि हमने किसको माना किसको ना माना। मा कान अल्लाहु लियज़रिल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब, हम मोमिन को इस हालत पर नहीं छोड़ सकते जिस पे वो है यहां तक कि उसे ये पहचान करा कर रहेंगे कि खबीस कौन है तय्यब कौन है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मा कान अल्लाहु लियज़रिल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब, हम उसे ये पहचान करा कर रहेंगे कि खबीस कौन है और तय्यब कौन है। यही वजह है कि किसी भी मोमिन ने आज तक किसी खबीस से फैसला किया ही नहीं। आपने देखा कि इस कायनात में इस दौर में बगदादी खलीफा बना, सारी दुनिया जानती है कि किस कौम ने माना। बगदादी का इस दौर में खलीफा बनना इम्तहान था इस दौर के मानने वालों का। एक कौम ऐसी थी जिसने ना कल किसी को माना था ना आज किसी को माना। एक सलवा पढ़ दे मोहम्मद वाले को। कुरान मजीद किसी दूसरे के भरोसे पर आपको नहीं छोड़ता। कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब वो है जिसने नफ्स को पाकीजा बना लिया। इसका मतलब ये कि यह तैयारी आपको खुद करना होगी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिल्मुत्तकीन, हिदायत है कुरान मजीद मुत्तकीन के लिए। मुतवज्जे हुए आप? इसका मतलब अंदर से आपको खुद सजना पड़ेगा। अगर वर्क सादा नहीं हुआ तो उस पर लिखा ही नहीं जा सकता, लिहाजा वर्क को सादा रखना पड़ेगा ताकि तहरीर उतरती चली जाए। लिहाजा अल्लाह ने निजाम हिदायत को इंसान के करीब किया और करीब इस तरह किया कि तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, लिहाजा किसी को बंदा बना दिया किसी को नुमाइंदा बना दिया। और अब अल्लाह ने भेजना शुरू किया, सबसे पहला इंतजाम क्या किया, सबसे हिदायत का पहला निजाम ये किया कि पहले आदमी को हादी बना दिया। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, पहले आदमी को हादी बना दिया ताकि तुम्हें एहसास रहे कि जब दुनिया में एक भी आदमी नहीं था तो हादी था। क्या मुझे कुछ कहना पड़ेगा अमरोहा की सरजमीन पर? जरा सोचो कि जब कोई नहीं था तो हादी था, आज तो पूरी दुनिया है, कहीं ना कहीं कोई हादी जरूर है। मेरे मौजू से मुताल्लिक है एक आयत में सुनाई देता हूँ। वले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी का होना जरूरी है। कौम खुद बता रही है कि कोई हादी है, जमाना बता रहा है कि कहीं इमाम जमाना है। क्या जुमले हैं मेरे! जमाना बता रहा है कि कहीं
कहीं ना कहीं इमाम जमाना है तो इसका सही मतलब यह हुआ कि कोई भी दौर हो खाली नहीं रहा, फर्क बस एक जगह रहा। वो कहां था? फर्क इतना सा रहा कि हिदायत करे कौन। सबसे पहली चीज जो परवरदिगार आलम ने पैदा की उसका नाम रखा नबूवत। एक दूसरी चीज जिसे अल्लाह ने पैदा किया उसका नाम रखा इमामत। मैं अपने बच्चे को नबूवत में नहीं ले जाऊंगा इसलिए कि मैं फिर इस पर पूरा अशरा पढ़ूंगा। जाहिर सी बात है 1,24,000 अंबिया, 27 तो वो हैं जिनका जिक्र कुरान में, और उनमें से भी जनाबे मूसा का जिक्र कितना लंबा, तो पूरा अशरा हो सकता है नबूवत पर। मैं अपने बच्चे को नबूवत की तरफ नहीं ले जाऊंगा, वो कभी फिर बहस होगी, लेकिन मैं ये तारुफ जरूर करूंगा कि एक सिलसिले हिदायत था जिसका नाम था नबूवत, और दूसरा सिलसिले हिदायत जिसका नाम बेदार हो जाएगा। मजलिस तो शुरू हो चुकी है, आपको शुरू होने में देर हो रही है। जैसे मैं समझाने के लिए बैठा हूं वैसे आप समझने के लिए बैठिएगा। एक सिलसिला नबूवत और एक सिलसिला इमामत। महबूब ये नबूवत क्या है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतिल लिल आलमीन, हमने आलमीन में एक रहमत को बनाकर भेजा, हमने नहीं भेजा मोहम्मद को मगर आलमीन के लिए रहमत। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूला, वो परवरदिगार वो है जिसने उम्मीदीन में रसूल भेजा। एहसान किया है अल्लाह ने मोमिनीन मक्का पर जब उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। इसका मतलब यह कि जब तक हम नबियों का जिक्र पढ़ते रहे एक ही लफ्ज आता रहा, भेजा भेजा भेजा, कलमा भेजा, शरीयत भेजी, रिवायत भेजी, दरायत भेजी, कुरान भेजा, आयत भेजा। भेजे में ये बात आ जाए कि जब तक भेजा रहे समझना नबी है, और जैसे ही बात इमामत की आई आवाज आई यौमा नदू कुल्ला उनासिम में इमाम ही, हर गिरोह को कयामत के दिन उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इसका मतलब यह है कि दीन आया है नबियों के जरिए, जाएगा इमामों के जरिए। बहुत तवज्जो से दीन आया है नबियों के जरिए, जाएगा इमामों के जरिए। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लखनऊ से एक किताब लिखी गई, जदीद शख्सियतें, उसमें एक जुमला जिसको मैंने पढ़ने के बाद में उठ बैठ कर बहुत देर तक गुरूर से टहला था, वो सुनिएगा। उन्होंने लिखा कि इमामत वो ओहदा है जिसकी जरूरत हर कौम को है। मैं अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगा कि इमाम कौन है। इमामत वो ओहदा है जिसकी जरूरत हर कौम को है, लेकिन वो कहते हैं कि कयामत में ऐसा मंजर भी होगा कि कुछ इमाम होंगे जिनकी कौम नहीं होगी, और कुछ कौमें होंगी जिनका कोई इमाम ना होगा। जैसे ही मैंने ये जुमला पढ़ा मैंने मुसल्ला खोला, सजदे शुक्र किया कि अल्लाह का शुक्र होगा कि महशर में एक कौम ऐसी होगी जिसका कोई इमाम नहीं, कुछ इमाम ऐसे टहल रहे होंगे जिनकी कोई कौम नहीं, सिर्फ एक कौम ऐसी होगी जो कौम को एक होगी इमाम बाबा। इसका सही ही मतलब यह हुआ कि हम अरे का साहब क्या जरूरत है इमामत की। देखिए असल मसला यह है कि मैं थोड़ी सी नबूवत समझा देता तो बात बन जाती। नबूवत नाम है शरीयत के लाने का, इमामत नाम है शरीयत को वापस पहुंचाने का। बड़ा अजीम जुमला है अगर आप समझ गए। नबूवत नाम है शरीयत लाने का, इमामत नाम है शरीयत बचाने का। अब तुम समझो या ना समझो मैं तो कह के चला जाऊंगा, अमरोहा पे भरोसा है इसलिए कह रहा हूं। मुतवज्जे रहिएगा, नबूवत नाम है शरीयत लाने का, इमामत नाम है बचाने का। जो लाने वाला था वो मक्के से मदीने गया, जो बचाने वाला था वो मदीने से करबला गया।
घर से इसलिए निकले थे कि शरीयत को जमा सके, मैं इसलिए निकला हूं कि शरीयत को बचा सकूं। नाना रात में निकले थे, मैं दिन में निकला हूं, ना वो डर रहे थे ना मैं। देखिए मैं पढ़ने का आदी हूं, ना वो डर रहे थे ना मैं। अगर वो डर गए होते तो उस वक्त जाते जब तक दुश्मन नहीं आए थे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दुश्मनों ने जब घर घेर लिया तब रसूल गए, तो जब मेरा नाना नहीं डरा तो मैं क्या डरूंगा। वो रात में गए थे, हम दिन के उजाले में गए ताकि दुनिया को पता चले कि हुसैन तक आते आते हिजरत कितनी तरक्की कर गई है। थोड़ा सा तफसीर, मेरी तबीयत कह रही है कि मैं थोड़ी सी तफसीर इमामत की करूं। मेरा बच्चा कुछ मेरी तरफ को हैरत से देख रहा है, ये अजीब सा मौजू इन्होंने कहां से शुरू कर दी। सुनो, 1,24,000 आए, फिर कितने आए, 12 इमाम, ये तो मानते हो 1,24,000 आए और उसके बाद 12 इमाम। इसका मतलब ये कि दीन के दो जमाने हैं, एक नबूवत का जमाना। अगर अमरोहा में ये बात गुम हो गई तो तालिब इल्म की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद होने से बचा लीजिएगा, आप बचाते चले आए, इसको भी बचा लीजिएगा, वो तो बच्चे रहिएगा। 1,24,000 सुनो, आदम से लेकर गदीर तक नबूवत और गदीर से कयामत तक इमामत, इससे कम हो गए। यही है। आज मैं उसका भी तर्जुमा करके जाऊंगा जो लोग गदीर का तर्जुमा कर रहे हैं। गदीर का तर्जुमा ये कर रहे हैं कि अली को मौला बनाया, क्या बकवास है ये बनाया, बनता वो है जो पहले ना हो। क्या बात है, बनाया क्या मतलब, जो पहले ना हो वो बनता है। गदीर ऐलान का नाम है, मंसूबे का नाम नहीं है, बुनियादे गदीर नहीं है, ऐलाने गदीर है। क्या छुपे हैं आप, छुपे रहो, आपको जागना पड़ेगा इन लफ्जों पर, जागना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि गदीर में रसूल अली को मौला बनाने नहीं गए थे, बताने गए थे। एक भी लफ्ज नहीं हो, खुतबा मैंने पढ़ा 4-4 दफा। मन कुल तो मौला हो फहादा अली मौला, जिस जिस का मैं मौला था उस उसके अली मौला हैं। इसका मतलब सबके तो नबी भी मौला नहीं थे। जिस जिस का मैं मौला था उस उसके, मैं खुदा की कसम तुम बेदार होकर सुनते हो तो मजा आता है। वो जिस जिस क्या है, इस पर कभी गौर किया आपने कि वो जिस जिस क्या है, तो किस किस के। एक दफा तो बता के जाओ, जिस दिन तुम सही से दाल खा के अरबी पढ़ना सीख गए तुम्हें पता चलेगा वो जिस जिस क्या है। मैंने कहा मुझे बताइए हुजूर का सुन। मैंने कहा मौलाना आजाद साहब किल्ला कौशल साहब शबी अब्बास साहब मौलाना शादाब साहब बड़े सूती और समधिया पढ़ाते हैं आप, ये बताइए सरकार के ये मन क्या है। तो इन्होंने कहा ये एक हर्फ है। मैंने कहा हर, बोले हाँ। मैंने कहा ये क्यों आता है, कहिए अक्सर उनके लिए आता है जो साहिबान अक्ल हैं।
अमर सुल्तान मजलिस हो जाएगी, तू तो दलीलों पे उतर आया है। मैंने कहा क्या मतलब का मंजर नदी कौन नकलमंद है जो शिफात करेगा अल्लाह के नजदीक, मंजर नदी युखरिजुल्लाह करजल हसना कौन है जो अकलमंद, कौन अकलमंद है जो अल्लाह को करजे हसना दे, मन माता आले मोहम्मद कौन अकलमंद है जो मरे मोहब्बत आले मोहम्मद का। मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं आप, उनका इसमें तर्जुमे में अकलमंद का लफ्ज छुपाया गया है। तो मैंने कहा अब मैं हदीस गदीर का तर्जुमा करूंगा, मन कुन तो मौला हो फहाद अली मौला, जिस जिस अकलमंद का मैं मौला हूँ तमसील में। मैंने मुतारी साहब की किताबों में अक्सर देखा, एक सुना दूं आपको, जब लैला के मजनू के सामने खुद लैला आई तो उसने कहा कि मैं तेरी लैला हूं, कहा तू गलत कह रहा है, तू गलत कह रही है, तू हो ही नहीं सकती, तुझसे अच्छी तस्वीर मेरे जहन में है। मुताहरी कहते हैं कि उलूहियत को पहचानने के लिए यही काफी है कि जब भी कोई तुम्हारे सामने खुदा की कोई तस्वीर पेश करे उससे अच्छी तस्वीर तुम्हारे जहन में हो। जुमला है खुदा की कसम, हर तस्वीर को जब मिटाते चले जाओगे तो खुदा बेतस्वीर हो जाएगा। क्या जुमला है खुदा की कसम, और बेतस्वीर ही को खुदा के। आप चौंक रहे हैं कि ये लैला का नाम मेंबर पे क्यों हुआ, साहिबानी इरफान है वो जो गलत रास्तों से भी हकीकतें निकाल लेते हैं। अलबत्ता पागल को दो जगह आने की जरूरत नहीं है, एक तो ये कहा गया है कि मस्जिद के आंगन में न जाना, अब मैं कह रहा हूं विलायत के शहरा में न जाना। पागल की जरूरत नहीं है, ला अकल लहू ला दीन लहू, जिसके पास अकल नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। इसका मतलब ये कि जो दीन के काबिल नहीं है वो अमीरुल मोमिनीन के काबिल कहां से। अब तरफ बोलते रहो, अरे कहा नहीं मौलाना वो बहलोल भी तो पागल थे, कहना बहुत आसान है,
तहकीक करना बहुत मुश्किल है। ये सारे वो अमरोहा के लोग बैठे कि उन्होंने किताबें पढ़ी हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि पहले उनको दो तरीके से लिखा गया है। कुछ ने लिखा दाना, बोल रहे हो, कुछ ने लिखा दीवाना। मैंने पूछा ये दाना किसने लिखा, दीवाना किसने लिखा? का जितने अली के दुश्मन थे उन्होंने दीवाना लिखा, जितने दोस्त थे उन्होंने तो ये जिस जिस समझ में आया जिस जिस का मैं मौला का कदीर मौला बनाने के लिए गलत बनाने के लिए क्या मतलब? एक बात आज रास की बता रहा हूं आपको, गदीर विलायत की वजह से नहीं हुई, मक्की और मदीने के जिद और मुनकिरों की वजह से गदीर हुई। अखलाके पैगंबर के खिलाफ था कि घुटे हुए सरों को दो पैरी में बिठाते, मगर चूंकि इन्होंने अब तक विलायत को सही से नहीं माना था, इसलिए अल्लाह ने कहा आज ही मनवाना है, अल यौम, आज ही मनवाना है। अब आप कहेंगे कि मौलाना खेल रहे हो, खेल रहे हो, एक बात मकसद के लिए आया। और मैं समझता हूं कि अगर अब रोहा में गूंजी नहीं पा तो तालिबे इल्म दिल मिला के रह जाएगा, उसको दिल मिलाना नहीं चाहिए। वो तो बच्चे देखे, जब लोगों ने इनकार कर लिया, इस्लाम ने दूसरे मंसूबे बना दिए, नहीं कमर सुल्तान नहीं हिलेंगे। क्यों नहीं हिलेंगे? अभी तक तुमने बात ही नहीं कही, बात कहो, मैं बात कहने जा रहा हूं। अगर जुलशीरा में पहले ही दिन मान लेते तो क्या दूसरे दिन की जरूरत पड़ती? हाय हाय हाय, नहीं हिलना यार। इन्होंने पहले दिन इनकार कर दिया, उन्होंने दूसरे दिन का इंतजाम कर लिया, इन्होंने दूसरे दिन इनकार कर दिया, उन्होंने तीसरे दिन का इंतजाम कर दिया। इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं विलायत का इनकार हुआ है, गदीर का इंतजाम हुआ है। मैंने कहा पैगंबर मैं नहीं समझा, कहा ये तो जिब्रील समझाएगा, बल्लिग मा उंजिला इलैह, मेरे हबीब वो हुक्म पहुंचा जो तुझको पहुंचाया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि विलायत का मसला पहले कहीं आ चुका है। अरे मैं कौन से लफ्जों में समझाऊंगा? मैंने कहा यह हबीब कब आया था? कहा जिब्रील से पूछना कि तू पैगाम भी बता दे। उसने कहा यार कोई पैगाम ऐसा नहीं है जो मैंने पैगंबर तक पहुंचाया हो और पैगंबर मेरे साथ न हो, लेकिन एक ही दिन ऐसा आया था जब पैगंबर आगे निकल गया था, मैं पीछे रह गया था। इसका मतलब यह है कि मेराज का इनकार हुआ है तो गदीर का इंतजाम हुआ है। की मेहनत पर बात जा रही है। अब मुसलसल जुमले सुनो, गदीर और मेराज में फर्क यह है कि राजे विलायत को मेराज कहते हैं, ऐलाने विलायत को गदीर कहते हैं। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा जहां छोड़ना चाह रहा हूं। राजे विलायत को गदीर कहते हैं, ऐलाने राजे विलायत को मेराज कहते हैं, ऐलाने विलायत को गदीर कहते हैं। राज रात में होता है, ऐलान दिन में, वो भी जाइए किताबों में पढ़िए। एक ही मकसद था, आओ मेरे हबीब आसमान पे, हम तो भी कुछ निशानियां दिखाने वाले हैं, मंसूबा बनेगा यहाँ अली की विलायत का। इन्होंने आते ही मेराज का इनकार कर दिया। तो ख्वाब देखा है, मेराज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? जिस मुंह पर नहीं जा सकता, अच्छा गुम्बा नीचे आ सकता है।
रसूल अल्लाह। मैंने कहा आपको भी क्या जरूरत पड़ी थी कि आप गए? का मसला जाने का नहीं है, ये पूछ के मैं जाके वापिस क्यों आया? गया था कुदरत की वजह से, आ गया उम्मत की वजह से, वरना कौन जन्नत में जाके वापिस आएगा? मेरी मोहब्बत उससे न होती तो वापिस ही नहीं आता। तो मैंने कहा गए क्यों और आए क्यों? ये बताने के लिए गया था कि जाने का रास्ता जानता हूँ, और इसलिए आ गया कि आने का रास्ता जानता हूँ। मैंने तो मंसूबा कहाँ बना था? कब? मेराज में। अब आप मुतवज्जे रहिएगा, जो कुछ मेराज में था वही कदीर में था। कुरान यहाँ भी था, कुरान वहाँ भी, पैगंबर यहाँ भी था, पैगंबर वहाँ भी, बुलंदी यहाँ भी थी, बुलंदी वहाँ भी, वही यहाँ भी थी, वही वहाँ भी, शागिर्द यहाँ भी थे, शागिर्द वहाँ भी। वहाँ अजान हुई तो जिब्रील ने कहा हय्या अला खैरिल अमल, यहाँ अजान हुई तो अबू ज़र ने कहा हय्या अला खैरिल अमल। आगे देखिए असदुल काबा, किताब है असदुल काबा, उसमें इबारत है कान बिलाल युअज्जिलु फी यौमिल कदीर हय्या अला खैरिल अमल। जनाब अबू ज़र ने यौम कदीर में अजान दी और उसमें हय्या अला खैरिल अमल कहा। ये लहजे क्यों मिले अबू ज़र के और जिब्रील के? शागिर्द दोनों एक ही उस्ताद के थे। चलो एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। आधी कल, अरे अभी तो आपका असली टाइम बाकी, कोई बात नहीं है, उस असली टाइम के लिए तो मैं कह रहा हूं यहां से कल इमामत के सही मानी बताऊंगा, इमामत की सही जरूरत बताऊंगा, इमामत का सही तरीका बताऊंगा। इरफान इमामत के पहलू के लिए जितने बच्चे चाहें आए, आज मैं आपको एक पैमाना एक किताब बताना चाहता हूं, अगर आप तैयार रहे तो पढ़ूंगा, वरना तो अपने माल को बचा के ले जाऊंगा। आज मेरी आखिरी मजलिस के, कल की मजलिस आखिरी है, आज सेकंड लास्ट मेरी आपकी मेरी आपकी रुख्सती के वक्त में ज्यादा देर नहीं। कल की तो मैं मतलब यूं भी गुजार दूंगा, अभी तो शेर बाकी है जो मुझे याद है, लिहाजा वाकया इस शर्त पर पढ़ूंगा कि जितनी मेहनत मैंने की है उतनी मेहनत तुम करो, तुम करना, वरना भैया माइक समीप सुनिए और गौर से सुनिए। मेरा वो बच्चा सुने जो मजलिसों में बैठ रहा है मोहब्बत हुसैन, इस मोहब्बत हुसैन में जितने फितने हैं सबको दबा के रखा करो, इसलिए कि ये जमाना हुसैन का है, हुसैन को लोगों तक पहुंचने दो। सारी चीजें तुम्हें मजलिस ही में याद नहीं आनी चाहिए, पैसे लगाओ अपना मजमा बुलाना जब अपनी बात मनवाना। ये तुम्हारी दौलत का मजमा नहीं है, हुसैन की मोहब्बत का मजमा है। तो अगर हुसैन की मोहब्बत का मजमा है तो आले मोहम्मद को मुकम्मल करने दीजिए, सुनिए और गौर से सुनिए। एक बुढ़िया है जिसे दुनिया भूल रही है लेकिन तारीख में वो याद है, उस बुढ़िया का नाम था साहिबतुल हिसाब। अरे मौलाना सादात को सारी बातें, एक सलवात पढ़े मोहम्मद साहिबतुल हिसाब। हिसाब कहते हैं पत्थर को, साहिबा औरत को कहते हैं, पत्थर वाली औरत। इसका पत्थर वाली औरत नाम क्यों पड़ा? तुम तैयार हो जाना, सारी सारे जो आराम किया है वो सारा खत्म होने वाला है। एक बुढ़िया हजरत अली के पास आई, या अली तेरे बाद तुझ जैसा मिले इसकी कोई अलामत दे के जा। बेदा तो हो तेरे बाद कोई तुझ जैसा मिले इसकी कोई अलामत दे के जा। अली ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो उठाओ पत्थर। बुढ़िया ने पत्थर उठाया, हजरत अली के हाथों में रखे, हजरत अली ने मुट्ठी बंद की और फिर खोले, और मुट्ठी बंद करके खोले और अपनी अंगूठी ही सख्त पत्थर पर दबाई, उसके ऊपर नक्श उभरा। नक्श उभरते ही उस बुढ़िया को दिया कि जो भी ऐसे ही कर दे समझना वो मेरे जैसा है। तवज्जो दीजिएगा, क्या इम्तिहान है, खुदा की कसम आले मोहम्मद
गुड़िया पत्थर को देखती थी, कभी खुद को देखती थी। है? ये तूने क्या कर दिया? का कैसे? का ये सख्त पत्थर तेरे हाथ पे मोम कैसे बन गया? का जो पत्थर की तकदीर बदल सकता है, क्या वो बशर की तकदीर नहीं बदल सकता? बोल पे रहो, थकने मत हो। चली गई बुढ़िया, याद रखिएगा मैं बुढ़िया कह रहा हूं। चली गई। जाने के बाद रसूल हजरत अली का दौर चला गया। तलाश में निकली कि दूसरा कौन है। आए आए आए। लोगों ने कहा कि अली की जगह इमाम हसन है। पहुंची, इमाम हसन को दूर से पत्थर दिखा के बोली, दूर वाले देखे, दूर से पत्थर दिखा के बोली, पहचानते हो? का क्यों नहीं पहचानूंगा, मेरे अच्छे बाप का अच्छा नक्श है। जो जुमला कहा है वो सुनिए, लोग तो अपने बुरे बाप के नक्श बुरे नहीं भूल रहे, मैं अपने अच्छे बाप का नक्श भूल जाऊंगा। का अगर तुम वही हो जो वो था। ये लो पत्थर। इमाम ने हाथों में पत्थर लिया, अंगूठी को दबाया, वही नक्श उभर के आया और दिया, और दे के एक जुमला कहा के देख ले, कोई फर्क तो नहीं है। आप सो रहे हैं, सोना मत, कोई फर्क तो नहीं है। का हसन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले का था। वो तो जाओ उम्मत से कह दे, जब हम पत्थर का नक्श नहीं बदलने दे रहे तो शरीयत का नक्शा क्या बदलने देंगे। जिस वाकये का मैंने आगाज किया है उसके पीछे किताबें भी मद्दम पड़ जाती है, बशर्ते कि तुम तारीख में घुसे रहना। मैं अपने वाकये को आगे लेके जाऊंगा। हसन का दौर चला गया, बुढ़िया फिर आ गई। उसने कहा, अब कौन है? कम मसनद इमामत पे जलवजन है खुदा का शेर हुसैन। इमाम हुसैन के दरबार में पहुंची और दरबार में जाके एक मर्तबा पत्थर को दिखलाया जिस पे दो मासूमों का ताजिया पहले से मौजूद था। दो मासूमों का आलम उठाए हुए। तुम बोलो या मत बोलो, दो मासूमों, मैंने तो पत्थरों से ही पहचाना है कौन असली है कौन नकली। मुझे अली अलामत दे के गए थे असली की, तो कहा जब तूने उनको पत्थर दिए तो क्या किया? खुदा की कसम मैं चुप हो जाऊंगा, तुम बोलोगे। जुमला सुनिए, वो बुढ़िया कहती है कि मौला जब मैंने उन्हें पत्थर दिए तो वो दो कोशिशें करके नाकाम हो गए। का क्या? का तुम्हारा नक्श मिटाना चाहते थे मिटा ना सके, अपना जमाना चाहते थे जमाना। मैंने क्या कहा है? जमाना चाहते थे जमाना सके। पूरा तारीख इस्लाम इसी में बंद है। मैं क्या कह रहा हूं, मदीने में नक्श मिटाना चाहा नहीं मिटा, करबला में नक्श मिटाना चाहा नहीं मिटा, जन्नतुल बकी में नक्श मिटाना चाहा नहीं मिटा। आप कहेंगे कैसे? ये मैंने बीवी फातिमा से कहा, बीवी फातिमा क्या तुम में ताकत नहीं रह गई थी कि तुम जन्नतुल बकी को बचा लेती? का तू पागल है? इन्होंने ईंटें गिराई है, लफ्ज़े जन्नत नहीं गिराया। मेरी जुमला सुनो, उसके
हम जब कर्बला में आए हमने मोहल्ला बनाया है, हम जब जन्नत बकी में आए हमने जन्नत बनाई है। ये इनके बखेर के कह रहे हैं हमने जन्नत बकी गिरा दी, तूने अपना जमीर गिरा दिया। अपना नफ जमाना चाहते थे, दोनों ही काम सबने नहीं थे। उनका नफ मिटाने के लिए एक की जगह 40 अंगूठियां दे दी, एक भी आयत नहीं आई। उसकी एक अंगूठी का नफ मिटा क्या? इसका मतलब यह कि तारीख में बहुत सारी कोशिशें की नफ मिट जाए। उसके नफ का हाल यह था कि वो जब कर्बला में उतरा तो ये बला थी, जब शहीद हो गया तो ये शिफा बन गई। वो तो नक्श पे नक्श जमाता चला गया ना। तो लाके का सामान मैं एक लफ्ज कहूंगा और ये देखूंगा कि किस कदर मजलिस सुनने की हैसियत लोगों के दरमियान है और किस कदर पढ़ने की हैसियत है खतीब के दरमियान। खुदा के कसम कर्बला को वो फजीलत का मरकज बना गया, फजीलत का मरकज बना गया। वो अकेला आया था, आज दुनिया उन्हीं को जा रही है। क्या जुमला है खुदा के कसम, वो अकेला। चलो ये वाकया बीच में रह जाए कहीं, ये वाकया बीच में ना रह जाए कहीं, लिहाजा इस वाकये को पूरा कर। कैसे? ये भी अधूरा। इमाम ने जब उससे ये सुना कि वो ये कह रही है कि अपना नक्श जमा ना सके और तुम्हारा नक्श मिटा ना सके, तो फौरन उन्होंने हाथ उठाया। जैसे ही हाथ उठाया वो सजदे में, कहा अभी तो मैंने नक्श भी नहीं किया, तू सजदे में गिर गई। कहा मैंने देखा है जैसे पहले का हाथ उठा था। वैसे ही तूने भी हाथ उठाया, नक्श किया और दे दिया, और दे के कहा के जा तलाश करना चौथा कौन। मैं जानबूझ के आ गया तुम्हें, तुम थकते जा रहे। वो इमाम अली के दौर से चली, इमाम हसन के दौर में आई, हुसैन के दौर में आई, बोलिया कौन सी चीज ने इस बुढ़िया को जिंदा रखा हुआ है। अरे कमर सुल्तान अगर इधर को चले गए तो बहुत तंगी हो जाएगी, सीधे सीधे चलो। अब बिल्कुल कमर झुक गई, जमींदोज हो गई, लाठियां टेक टेक के जैसे कुछ लोगों को मजलिस में आते देखा होगा। इमाम की मोहब्बत में, वो भी इमाम की मोहब्बत में लाठी टेक टेक के चलने लगे। उसे बताया कि चौथे इमाम है इस वक्त के इमाम, मस्जिद में आ गई कांपते कांपते, देखा वो है कि उसकी इबादत तवील, रुकू टूटने का नाम नहीं, सजदे लंबे। बस वो भी बैठ गई कि खुदा इमाम हक की तलाश में तेरे घर तक आ गई थी, मगर मैं क्या करूं कि उसे तेरे दरबार से फुर्सत ही नहीं है, क्या करूं, मुझमें तो बैठने की हिम्मत भी नहीं है। ये कहकर चलना चाहती थी, इमाम हालत नमाज में थे। जैसे ही वो चली, पहले अली की तरह उसने हालत रुकू से उंगली उठाई। कभी कभी बेदार होकर भी सुना करो, उसने उंगली उठाई, उंगली का उठना था कि जर्रा में मस्जिद एक जगह आ गए, मस्जिद की गिरती हुई दीवार सीधी हो गई और बुढ़िया जवान हो गई। मौला ने आते ही कहा लावो पत्थर, सुनो बात, लावो पत्थर।
जो हमारे आबा अजदाद की मोहरों से मुसय्यन है का पत्थर तो बाद में दूंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा इशारा था या कयामत? क्या हुआ? का मस्जिद सीधी हो गई, मस्जिद की दीवार सीधी हो गई, ज़रात मस्जिद इकट्ठे हो गए और मैं जवान हो गई। का गैरे मुय्यन इशारा था, ज़रात समझे हमें हुक्म हुआ है, मस्जिद समझी हमें हुक्म हुआ है, जवानी समझी हमें। तेरा जवान करना जरूरी था? तेरे पास अलामत इमामत है? अजीब बात है, जिसके पास सबूत इमामत हो जब उसकी जिंदगी बढ़ सकती है, जिसके पास वजूद इमामत हो। अब आपका चुप होना, जब पत्थर की वजह से बुढ़िया जिंदा है तो जिसके पास पूरा दीन मौजूद है क्यों उन्हें इमाम जमाना खत्म हो रहे है? खत्म करता कौन है? कबलुल मौत, मलकुल मौत को पहले दिन सैयदा ने अपने दरवाजे पे रोका, इसलिए था कि दुनिया तर्जुमा समझ ले कि मौत हमारे इशारों पर चलती है। हम जब चाहे जितनी देर चाहे मलकुल मौत को दरवाजे पर रोक सकते हैं। एक जगह एक मौलाना शिया मौलाना थे, ये मजलिस पढ़ रहे थे कि मलकुल मौत दरवाजे पर खड़ा रहता है। एक सुन्नी मौलाना ने कहा कि नहीं साहब, वो तो घर जो था वो फातिमा का घर नहीं था, वो तो किसी दूसरे का घर था। जैसे ये कहा तो एक सुन्नी मौलाना ने उसका प्यारा जवाब दिया। सुन्नी मौलाना ने कहा ये भी फातिमा ही को हक हासिल है कि वो किसी के भी घर में किसी के भी दरवाजे पर बदल रहा है। मेरे अजीजो, खुदा बंदे आलम उन हुसैनियों को सलामत रखे, क्योंकि हुसैनी सिर्फ शिया नहीं होते, वो तो हर कौम के लोग होते। जाहिर सी बात है जो यजीद जैसे जुल्म से नफरत करे वही हुसैनी। आज दुनिया में हर आदमी को पता है कि यजीद का नाम लेकर तो आगे बढ़ नहीं सकते, लिहाजा कुछ लोगों ने यजीद के कबीले से होकर भी हुसैन ही का नाम लेना मुनासिब समझा। चूंकि दुनिया इस्लाम में हुसैन के अलावा कोई पहचान बन ही नहीं सकती। खुदा की कसम, जी तो चाहता था कि मैं इस साहिबतुल हिसाब को इमाम मोहम्मद तकी के दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा। ये इमाम मोहम्मद तकी के दरवाजे पर गई थी और इमाम मोहम्मद तकी ने इसे फिर जवान कर दिया था और इससे ये कह दिया था कि अब तू आखिरी इमाम से मोहर लेगी। 11 मोहरे, ये जब इमाम आएंगे तो ये 11 मोहरे लेके आएगी और लोगों से कहेगी कि अय्युहन नास, मेरे इस पत्थर पर एक एक इमाम की मोहर है, अगर ये सच्चा इमाम है तो अभी ये मोहर करेगा। और इमाम मोहर करेगी और वो ऐलान करेगी कि ये हकीकी इमाम है। मैं कहता हूं कि भाई अहले बैत के फजाइल को मिटाना आसान नहीं है, इसलिए कि जमीन के नुकूस को मिटाए जा सकते हैं लेकिन वो फजाइल जो आसमान के हैं वो तो ये तो हो सकता है कि तुम अली का घर खत्म कर दो मदीने में और कूफे में, है अली का घर खत्म कर दो कहीं भी कर दो, मगर अली का वो नक्श कहां खत्म करोगे जो सूरज को पटाने का है? वो तो तुम्हारे बस की नहीं है, वो तो बात आसमान की है।
तुम जहरा के नाम पर कितनी ही कमियां तलाश करो, मगर उस सितारे जोहरा को कहां ले जाके रखोगे जो आसमान का। पानो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मेरी कल की गुफ्तगू बाकी है और वो इमामत के मुताबिक ही होगी। अजीसो, मैं तुमसे बस इतना लफ्ज कहता हूँ कि अगर ये चेहरुम ये मुहर्रम आया करे तो इसमें शांति रखा करो, सब्र किया करो और हसद को थोड़ा पीछे हटा दिया करो, हसद को घर रखे आया करो। इसलिए कि इमाम हुसैन को गुरूर पसंद नहीं, इमाम हुसैन के घर पे आने का भी एक तरीका है। यहाँ आसमान का रिजवान जन्नत भी आता है तो ये नहीं कहता कि मैं मलक हूँ आसमान वाला, ये कहता है मैं दर्जी हूँ हसनैन का, मैं दर्जी हूँ हसनैन का। क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि जो मर्जी फातिमा की हो वो करना, अपना मनसब अपने घर पर रख के आना। तुम घनेक्टर हो अपने घर पे, मीर साहब हो अपने घर पे, खान साहब हो अपने घर पे, कलेक्टर हो अपने घर पे, पहलवान हो अपने घर पे, हुसैन के घर पे अकड़ के मत आना। इसलिए कि जो अकड़ के आता है वो झुक के जाता है, जो झुक के आता है वो अकड़ के जाता है। खुले सीने से आओ, यहां बुक्सो हसद को परवान चढ़ाने से क्या फायदा। मैं तुमसे दावे से कहता हूं कि आले मोहम्मद के फजाइल अच्छे अच्छों को हसद की बीमारी में मुब्तला कर गए। लोग बादशाह बने मगर आले मोहम्मद के चहीते न बन सके, लोग दौलतमंद बने मगर आले मोहम्मद के चहीते न बन सके। इसीलिए जनाब सलमान फारसी कह के गए थे कि हमेशा जिक्र अली करना मुनाफिकत की यही पहचान है। अजीजो, मजलिसें सिर्फ इसलिए होती हैं कि वो विलाए आले मोहम्मद की चाबी बन जाए। जो अली तक आ गया उसके सुधरने के इम्कान है, और जो अली तक नहीं आया उसे सुधारे जाओ। कितना सुधारोगे, कब से सुधार रहे हो? सारे दबाव मुल्ला पे मत देना। कौन नहीं जानता कि कुरान ये कहता है कि सच बोलो, फिर मौलवी से क्यों कहलवाना चाह रहे हो कि सच बोलो? तो जब तुमने कुरान भी ना मानी, कौन नहीं जानता कि ये चीज गलत है वो चीज सही? जानते हुए, जानबूझ के, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हकाइक की तलाश करनी चाहिए कि हकाइक कहाँ है। खुदा की कसम, तुम्हारा इंतजार फातिमा करती है, तुम्हारा इंतजार ज़ैनब कुबरा करती है, तुम्हारा इंतजार करबला करती है, तुम्हारा इंतजार वो लुटे हुए कैदी कर रहे हैं, लुटे हुए कैदी। तुम जानते हो कितनी बड़ी मुसीबत थी? उन जालिमों ने यह ऐलान किया, उन जालिमों ने यह ऐलान किया कि असीरों को मक्तल से गुजारा जाए। एक वक्त तो ऐसा आया मक्तल में कि जब अपने अपने वारिसों की लाशों पर बीबियां खड़ी थी, लैला वही खड़ी थी जहां अली अकबर थे, उम्मे फरवा वही खड़ी थी जहां कासिम थे, जनाबे जैनब वही खड़ी थी जहां हुसैन थे, जनाबे उम्मे कुलसूम वही खड़ी थी जहां जनाबे अब्बास थे। एक एक बीबी अपने वारिसों को सलाम कर रही थी। क्या आलम हुआ होगा उस वक्त जनाबे सैयद सज्जाद का चेहरा जर्द हो गया। जनाबे जैनब ने अपने आप को ऊन से गिरा दिया। ए अमरोहा वालों, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो एक बहुत बड़ी किताब में मैंने पढ़ी है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मसाइल आले मोहम्मद इस किताब का नाम है। ये किताब में जब से मैंने पढ़ा है मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँच जाए। रिवायत ये बताती है कि जनाबे जैनब गिरी, ये तुमने सुना कि गिरी, मगर जानते हो कि हाथ बंधे हुए थे और गिरी, ऊंट की पीठ से गिरी। हाथ बंधे तो शायद तुम ये समझ रहे होंगे कि सामने बंधे हुए थे। इमाम जमाना कहते हैं कि सलाम हो उन खवातीन पर जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे थे। इसका मतलब जैनब के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे जब जैनब ने ऊन से गिराया।
न जाने कितनी बीवियों को सलाम करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ जनाबे रबाब को सलाम करें। मुझे इजाजत दीजिए ताकि इस चेहरू की ये यादगार मजलिस आप इमाम जमाना तक पहुंचे। जानते हो जनाबे रबाब कौन है? करबला की बीवियों का जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने मजमे को बता सकेंगे जो मैं कह रहा हूं वो क्या है, वो तो बच्चे देखिएगा। करबला की बीवियों का एक कुर्बानी ये भी थी कि किसी बीवी ने अपने अजीज का नाम लेकर गिरिया नहीं किया। सबकी सब बीवियां वाह हुसैना कहती थी, कोई भी वाह अकबरा नहीं कह रही। लैला वाह कासिम वाह अकबरा नहीं कहती थी, उम्मे फरमा वाह कासिमा नहीं कहती थी। इसलिए कि अगर हमने अपनों को याद किया तो सब अपने अपनों को याद करने लगेंगे, हुसैन को कौन याद करेगा। ये अमरोहा की यादगार मजलिस होने जा रही है। एक दिन यजीद ने शिमर से पूछा, शिमर एक बात बता कि क्या रास्ते में कोई ऐसा वाकया आया है जब तूने जुल्म करना चाहा हो और तू रुक गया हो? कहा हाँ, एक दफा ऐसा वाकया आया। कब? वो कौन सा दिन था? कहा हर रोज जब रात को काफिला टहल जाता था तो एक बीवी इस काफिले से अलग होती थी, उसका नाम रबाब। वो जंगल में जाती थी, मेरा जी चाहता था कि मैं उस पर कोड़े बरसाऊं, लेकिन कोड़ा बरसाने से पहले वो अपने बालों को अपने हाथों पर रख के झूला झूलाती थी और कहती थी मेरे असलात तेरी याद आ रही। मजलिस यकीनन तमाम हो गई थी, लेकिन मैंने कहा था कि मैं रबाब को सलाम करूंगा। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने में पहुंच गया तो बहुत दिन हो गए। एक बीवी दिन की धूप रात की होश में बैठती थी। बहुत दिन के बाद जनाबे मुख्तार ने खत लिखा, मौला फुलमुला बिन काहिले असदी मारा गया। ये खत लिए हुए जनाबे सैयद सज्जाद जनाबे रबाब के पास पहुंचे और जनाबे रबाब से कहते हैं कि अम्मा मुख्तार ने हमें कुर्सी का खत लिखा, तुम जहां चाहे रोना, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी समझ में कहां आ रहा है कहां नहीं आ रहा है, मैं पढ़ूंगा, मैं नियत कर चुका हूं। जैसे ही ये कहा कि मुख्तार ने हमें कुर्सी का खत लिखा है तो जनाबे रबाब ने कहा कि अल्लाह उसे जजाए खैर दे, इसलिए कि कोई तो है जिसने हमें याद रखा। कोई तो है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मजलिस सुन रही, कोई तो है जिसने हमें याद रखा। जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं कि अम्मा मुख्तार ने दूसरा जुमला लिखा। का क्या? का मैंने सुना है मौला कि एक बीवी है जो दिन की धूप रात की होश में बैठी है। जब से ये सुना है मौला हलक में निवाला कड़वा लगता है, पानी नीचे नहीं उतरता, मेरी तरफ से कहिएगा कि वो साए में चली जाए। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा मुख्तार को लिख दे, काश तू करबला में होता तो देखता कैसे मेरे बच्चे की कब्र उखाड़ी जा रही थी। खुदा तुम्हें सलामत रखे। असगर की मां का जिक्र है, कोई कमी ना रह जाए। जनाब सैयद सज्जाद अपनी माँ रबाब से कहते हैं, इनकी माँ का नाम शहरबानो है, लेकिन रबाब चूंकि इमाम हुसैन की जौजा है, अम्मा क्या मुख्तार की तमन्ना पूरी होगी? का बेटे ये मुझसे मत कहना, इसलिए कि मैं अपने वालियों वारिस का तपता हुआ जनाजा करबला के मैदान में छोड़ के आया। बेटा जब मैं वहां से चली थी तो मैंने अहद किया था, ए मजलूम नवास है रसूल, मैं साई में नहीं बैठूं।
मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं कि अम्मा सैयद सज्जाद की तमन्ना है कि आप साये में चले। वो दो दो बातें रह गई, आप साये में चले। जनाब रबाब ने कहा ये मुमकिन नहीं है। अब रिवायत ये बताती है कि जनाब सैयद सज्जाद ने अपने जानवों को जमीन पर रखा, अपने दोनों हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके एक मर्तबा कहते हैं कि अम्मा आपसे इमाम कहता। बस इमाम का लफ्ज आना था कि जनाब ज़ैनब ने सामान समेट किया और समेट के एक मर्तबा रबाब खड़ी हो गई। कर्बला का रुख करके कहा ए मेरे वालियों वाले